ये क्या है? धूपत, अगरबत्ती। ये कितना का होता है ये एक सेट? तो अभी हम लोग एक और शॉप पे आए हुए हैं जो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी गुड लुकिंग में सनग्लासेस भी है और वॉचेस भी है। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ है और देखते हैं यहाँ पे सिर्फ शायद लेडीज़ लोग का ही सामान यहाँ पे कपड़ों पे मिल पाता है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत हो जाता है क्योंकि यहाँ का कुछ लोग हैं जो हिंदी प्रॉपर समझ नहीं पाते और उनका उनका बंगला भी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो अभी हम लोग चलते हैं बाज़ार में और देखते हैं कि और क्या क्या खास है। और अभी हम लोग उदलाबाड़ी रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ से हम लोग अब आगे चल रहे हैं और ये इस जगह का मेन रोड है और हमें अभी इसी डायरेक्शन में आगे चलना है। और यहाँ का जो भी मार्केट लगता है वो अंदर की तरफ लगता है इस साइड में। तो अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं और यहाँ पे फास्ट फूड भी काफ़ी मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ इस जगह पे काफ़ी सस्ती सस्ती सामान भी मिल जाती है। तो अभी देखते हैं और आगे इसमें क्या क्या और देखने को भी हमको मिलता है। और यहाँ पे पहले काफ़ी भीड़ भाड़ भी हुआ करती थी लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी कम रहता है लेकिन अभी भी बहुत है। तो अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं और देखते हैं अभी अंदर क्या क्या है। तो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग और अंदर भी जा रहे हैं। भाई स्मार्ट लग रहे हैं। तो अभी हम लोग एक और शॉप पे आए हुए हैं जो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी गुड लुकिंग में सनग्लासेस भी है और वॉचेस भी है। भैया कुछ बताइए आप लोग के दुकान कुछ जो बेस्ट हो। ओ, मेरा भतीजा है। कुछ दिखाइए भैया, कुछ दिखाइए। देख लीजिए वॉच, स्मार्ट वॉच है, ब्रांडेड हिलर कंपनी स्मार्ट वॉच। इसका कितना पड़ जाता होगा? 250। ज़्यादा दाम नहीं है, 250। यहाँ देखिए इसमें टच में भी आता होगा, टच में दूसरा है। यहाँ देख लीजिए फोन कवर होगा इसके, इस टाइप में बैक में एक सेंसर भी आता है ना, हार्ट बीट टाइप का। इसके नफ्स नहीं है, कॉपी है। ये 50 रुपए। ओके, इसका कितना पड़ जाता होगा भैया? 280 का है। 280। यहाँ सब कम में मिलता है। यहाँ देख लो फोन कवर है, देख लो एक से एक से शोरूम है यहाँ का। ओके, ये थोड़ा सा मुझे कुछ क्लासिक लग रहा है। शोरूम है ना ये ब्लेंडर हिलामा कंपनी। ओके, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी क्लासिक क्लासिक सामान भी देखने को मिलता है और काफ़ी सस्ते रेट में भी है। तो आप लोग से मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार आप इस जगह पे जरूर एक बार विजिट करें। सिर्फ संडे का ये बाज़ार है, यहाँ पे आप लोग को संडे को ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर के अगर आप कपड़े भी लेते हो तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी रेट में सामानें मिल जाती है। और ये आप देख सकते हो यहाँ का ये भी टॉप मार्केट है। यहाँ पे हमेशा बरसात आते रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाता है और अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पे बरसात आया हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत का भी तो फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ भी है वॉचेस का और सनग्लासेस का दुकान। अगर आप लोग संडे को यहाँ पे विजिट करते हो तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सामान भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग आए हुए, ये सारा के सारा क्षेत्र उदलाबाड़ी में आता है और ये वेस्ट बंगाल में है और ये थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे अक्सर बारिश भी आते रहता है। बारिश को गारंटी नहीं कि कब आ जाए। सो अभी हम लोग और आगे आ गए हैं और यहाँ पे फ्रूट सब है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे भाई है, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं अंकित भाई। अभी ब्लॉगिंग करते हो क्या? हाँ, ब्लॉगिंग करते हैं। ओके ओके, थैंक यू ब्रो। तो यहाँ पे एक और भाई मिल गए थे जो ब्लॉगिंग भी करते हैं। सो अभी हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। हालांकि यहाँ पे मार्केट का रास्ता बहुत सारा है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वे से जाना चाहिए। सो मुझे जो दिख रहा है अभी मैं उसी वे से चल रहा हूँ और देखता हूँ और आगे क्या क्या है। और यहाँ पर मैं आप लोग को भीड़ भी दिखा दूँ, काफ़ी भीड़ है। और अभी चूँकि यहाँ पर बरसात आया है इसलिए थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर आपको संडे के वक्त में काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे है शायद मेकअप का सामान सभी है।
सारा सर आपको ब्रांडेड ही मिलेगा, बट सस्ती रेट में भी आपको मिल जाएगा। और गाइस मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, ये थोड़ा सा मुझे काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब के सब सूखी मछली है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ हर सामान आपको मिल जाएगा। और ये संडे का बाज़ार बहुत ही फेमस है, यहाँ आपको हर टाइप का हर वेराइटी का सामान आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ भी देख सकते हो काफ़ी है। तो शायद इस जगह पे अब ख़त्म होता है, तो अभी हम लोग इस वे में चलने वाले हैं। और इस तरफ में सिर्फ सब्ज़ी ही मिलता है, और यहाँ का ना मुझे एक सब्ज़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो ये है, इसको शायद क्या बोलते हैं, ये शायद मूली है। जो रेगुलर जो सब्ज़ी हम लोग के यहाँ मिलती है वही है, बट इस जगह पे जो पहाड़ों पे उगता है वो थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और यहाँ पे पहाड़ों पर भी सब्ज़ी बहुत उगता है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। और इस जगह पे मिट्टी का बर्तन भी बिकता है, जिसका बनावट भी काफ़ी अच्छी है। और ये यहाँ का थोड़ा भुजा हुआ सामान सब है, और ये शायद पन्नी में है, वो सब बड़ी है। और अभी हम लोग और आगे चल के देखते हैं क्या है। और यहाँ पे सब दाल है, इसका यहाँ पे इसका पैकिंग वजन के हिसाब से इसको पैकिंग करके तब इसको बेचा जाता है। और जैसे उड़द दाल हो गया, मसूर दाल है, चना है, और इधर में भी पूरा सब्जी का बाज़ार है। और इस जगह से यहाँ पे कपड़े का मार्केट शुरू हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, जैसे 100 का 3 या 100 का 4 इस टाइप में। तो यहाँ पे पूरा कपड़ा का ही दुकान है, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। और अभी आप देख सकते हो ये सारा का सारा यहाँ कपड़ा का ही बाज़ार लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सस्ते सस्ते भी सामान मिल जाते हैं, 100 के 4 या 100 के 3 टाइप में। तो अभी हम लोग और आगे चलने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भी अब बढ़ रहा है, तो देखते हैं अभी आगे। और अभी हम लोग लगभग आधा बाज़ार पूरा घूम चुके हैं, और अभी आधा और बचा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ का रास्ता थोड़ा सा अजीब है, तो मैं दो बार ऐसा हुआ कि मैं एक ही रास्ता से घूम घूम के वापस उसी जगह पे आ गया, तो समझ नहीं आ रहा कि इधर चलना चाहिए। तो अभी हम लोग को यह रास्ता दिख रहा है, तो अभी हम लोग इसी वे में चलने वाले हैं, देखते हैं कि अब हम लोग किधर निकलते हैं। तो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग एक गली से होते हुए फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं, और इधर देख रहे हो यहाँ पर एक मंदिर है। तो अभी हम लोग फिर दूसरे जगह पे आ गए हैं, और यहाँ पे कपड़े का है और जूतों का है। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे शूज़ और स्लीपर का ही दुकान है, ब्रांडेड भी है। जैसे मैं ये दिखाऊँ तो शायद समझ नहीं आ रहा कौन सा ब्रांड है, बट अच्छा है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी का शूज़ भी मिल जाएगा, चाहे स्पोर्ट्स शूज़ हो, कैजुअल शूज़ हो, या फिर स्कूल ट्यूशंस का। और इन लोग तो बंगाली की भाषा मैं तो साफ समझ नहीं रहा हूँ, तो हम लोग अभी चलते हैं आगे। और ये एक छोटी सी प्यारा सा नर्सरी, और मुझे यहाँ के एक पेड़ बहुत अच्छा लगा, वह है तेज पत्ता का, पर यह है कि बिहार का जो ज़मीन है वो इस जगह पे नहीं लग पाएगा, तो बस देख के ही इसको संतुष्ट करना पड़ेगा। और जो अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये कल 15 अगस्त है, इसी को लेकर के यहाँ पर आपको झंडे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको तो प्लास्टिक का सामान भी मिल जाएगा, जो किचन में या घर में काफ़ी यूज़फुल भी होता है, और काफ़ी सस्ते अच्छे रेट में भी आपको मिल जाएगा। और ये सारा का सारा एक ही टाइप का दुकान, एक सेट का 10 रुपये, ये हाथ से बना हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ का काफ़ी इंटरेस्टिंग सामान भी हमको देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर यहाँ पे हाथ से ही लोग बनाते हैं। और अब यहाँ पे पहले काफ़ी भीड़ भाड़ भी हुआ करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी कम रहता है, लेकिन अभी भी बहुत है। तो अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं और देखते हैं अभी अंदर क्या क्या है। तो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग और अंदर भी जा रहे हैं।
बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि प्रॉपर मुझे यहाँ बंगाली बोलने नहीं आती, नहीं समझ में आती है। तो मैं बीच में यहाँ कुछ मार्केट भी किया था तो वो लोग भी समझ नहीं पाए, तो एक और थे, एक और आदमी जिनको हिंदी अच्छी से आती थी तो वही हमको हेल्प की और यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से मार्केट भी कर पाया। तो अभी हम लोग अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। आप लोग इस टाइप का मार्केट देखे कि नहीं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का मार्केट देखा हूँ जहाँ पे अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते सामान भी मिल जाते हैं। और अभी यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गया है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बारिश का कोई गारंटी है नहीं कब आ जाए कब नहीं आ जाए। तो अभी हम लोग को भी शायद निकलना चाहिए। हम लोग बाज़ार से बाहर आ गए हैं और बाहर के मेन रोड पर आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बारिश को गारंटी है नहीं कब हो जाए, और अभी बारिश भी लगा रखा है। तो अभी हम मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बादल भी लगा हुआ है और बारिश भी होने वाला है। तो अभी हमें टाइम देखते हुए यहाँ से निकल भी जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो में पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दें।